उत्तर प्रदेश में नौगांवा सादात विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हर कोई अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जितवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नौगांवा सादात विधानसभा से विधायक कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की पत्नी संगीता चौहान के लिए जनसभा को संबोधित किया। बता दें कि अमरोहा जनपद की नौगांवा विधानसभा सीट से विधायक और कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान के निधन के बाद 3 नवंबर को उपचुनाव होना है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अमरोहा पहुंचे और उन्होंने एक जनपद एक उत्पाद के अमरोहा की वस्तु ढोलक बजाकर लोगों का उत्साह बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी चरण सिंह के सपनों को बीजेपी ने साकार किया है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी ने हमारे कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान को छीन लिया है और उनकी जगह अब उनकी पत्नी संगीता चौहान को प्रत्याशी बनाया गया है। आपसे अपील है कि संगीता चौहान को भारी मतों से विजयी बनाएं। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अपराधी या तो जेल के अंदर है या राम राम सत्य की तरफ चल पड़े हैं। जनता से कहा कि अपराधियों के अब पोस्टर दीवारों पर चौराहों पर लगाएंगे। मुख्यमंत्री ने सरकार में किए गए कार्यों का भी बखान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश की जनता को बचाने के लिए यमराज से भी लड़ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के चलते वह हर रोज अधिकारियों की मीटिंग ले रहे हैं। राम मंदिर को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि आप कहते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, 5 अगस्त को राम मंदिर का शुभारंभ हो गया है। कोरोना अगर नहीं होता तो वह सबको वहां बुलाते। वहीं जाते वक्त मुख्यमंत्री ने लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। मुख्यमंत्री की जनसभा को लेकर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। अमरोहा से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। सुरक्षा मेरा मुद्दा रहेगा और प्रदेश की जो भी कार्यक्रम रहेंगे उसको इम्प्लीमेंट कराना मेरा मुद्दा रहेगा। मोदी जी योगी जी के बड़े सुंदर कार्यक्रम है जो सर्व समाज के लिए हैं, सबको बुलवाना और अच्छे से सुरक्षित जनता को मेरा मुद्दा है। आज योगी जी यहाँ पे आए हैं, बहुत फर्क पड़ेगा, उनका संदेश बहुत अच्छा जाएगा लोगों के बीच में। उन्होंने हमेशा निष्ठा से सत्य से 24 करोड़ जनता का ध्यान रखा है, हर वादा निभाया है और हर निर्माण पूरा किया है। जो कि बहुत पुराना मुद्दा था राम मंदिर का, वो भी सुलझा दिया। सुरक्षित है हर इंसान आज उनके राज में। पहली बार औरत सुरक्षित है, जानवर सुरक्षित है, खेत सुरक्षित है और आदमी भी सुरक्षित है क्योंकि उसका घर सुरक्षित है। तो योगी जी के आने से बहुत फर्क पड़ेगा और वो इतने यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री है इस प्रदेश में। भगवान उनको बहुत लंबी आयु दे और इस देश का कल्याण करते हैं। आपकी टक्कर किससे है इस चुनाव में, आपके सामने जो प्रत्याशी उनमें से किससे टक्कर होगा भैया? लेकिन चुनाव हम ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.